नमस्कार 24 टाइम से मैं प्रिया कुमार 24 टाइम में आप सभी का स्वागत है। ना जाने हमारे देश को आजकल क्या हुआ है, जहां हमारे देश की युवा पीढ़ी विकास प्रगति तथा उन्नति के मार्ग पर चलती थी, आज वही युवा पीढ़ी जातिवाद और धर्मवाद के मार्ग पर क्यों चल रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि हमारी युवा पीढ़ी को जातिवाद और धर्मवाद के मार्ग पर आना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसके वजह से हमारी देश की एकता और अखंडता में दरार आ रही है। आइए देखिए हमारे साथ ये खास रिपोर्ट। ना जाने हमारे देश को क्या हुआ है, जहां आपसी प्रेम और भाईचारे का कोई जवाब ही नहीं था, वहीं प्रेम आज एक सवाल बन गया है। आखिर कहां गई वो एकता, वो आपसी प्रेम, वो सद्भावना। ऐसा लगता है मानो शिक्षा केवल किताबी रह गई है, जिसे आपने और हमने बचपन में पढ़ा होगा। याद तो है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो आखिर ऐसा क्या हो गया है कि वह आपसी एकता संकट में आ गई है। क्यों कोई जातिवाद तथा धर्मवाद को बढ़ावा दे रहा है, आखिर क्यों? कौन है वो लोग जो मॉब लिंचिंग को बढ़ावा देते जा रहे हैं? आखिर क्यों हमारे देश के युवा विकास और प्रगति के मार्ग को छोड़कर जाति भेद तथा धर्म भेद के मार्ग को पकड़ रहे हैं? क्या यही है हमारे देश का भविष्य? क्या यही है हमारे देश के युवाओं की सोच? आखिर क्यों लोग भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं? हमारी चैनल के माध्यम से यह अपील है कि कृपया इस प्रकार की घटनाओं का समर्थन ना करें और हमारी देश की एकता तथा अखंडता को बनाए रखें। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए 24 टाइम से। आप 24 टाइम को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।